हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। मैं आपका फ्रेंड संतोष पंत, जो आपको सिखा रहा हूँ मेडिकल बिलिंग और कोडिंग। मैं आपको इजी लैंग्वेज में सिखा रहा हूँ कि आप मेडिकल बिलिंग और कोडिंग कैसे सीख सकते हैं और कैसे इसे अपना करियर बना सकते हैं। तो शुरू से मैंने आपको बताया है कि मेडिकल बिलिंग में बेसिक टर्म्स को क्या कहते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं और आज आ गए हैं अपने चैप्टर 11 पर। और जो ये चैप्टर हमारा है 11, ये है कॉमनली यूज मॉडिफायर्स के ऊपर। तो ये चैप्टर मैंने आज क्यों चूज़ किया है, इसके पीछे एक रीज़न है जो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था। जैसे कि हमने अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर दो अभी तक चैप्टर अपने कर लिए हैं। इनमें आपको मैंने बताया था कि जैसे आपके क्लेम्स डिनाए होंगे और आपने उन डिनाइड क्लेम्स के ऊपर काम करना है, तो जो बेसिकली हमें जो डिनाइड क्लेम्स को सॉल्व करना होता है, उनको आप कई लेवल पर आप उनको मॉडिफायर यूज़ कर कर ठीक कर सकते हैं, उन क्लेम्स को करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मॉडिफायर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्लेम्स के लिए। और मॉडिफायर्स क्या होते हैं, इसके बारे में मैं आपको बिगिनिंग के जो हमारे बेसिक चैप्टर है उसके बारे में आपको बता चुका हूँ। तो जिन लोगों ने वो चैनल वीडियो नहीं देखा है, वो उस वीडियो को जाकर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो मॉडिफायर के नॉलेज होना आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे मेडिकल बिलिंग में काम करते हैं या आप एआर में काम करते हैं, आप कोडर नहीं हैं, फिर भी आपको मॉडिफायर के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको मॉडिफायर्स के बारे में नहीं पता होगा, तो आप बार बार अपने सीनियर्स के पास जाएंगे या कोडर्स के पास जाएंगे, जो कि आपके लिए भी अच्छा नहीं है। अगर आप इसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं, तो आपकी एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ जाएगी और आपकी रेपुटेशन भी काफ़ी बढ़ जाएगी। तो इसके लिए अगर हम जो आगे एआर के जो कॉम्प्लेक्स डिनाइल्स के ऊपर हम ट्रेनिंग लेने वाले हैं, उससे पहले अगर हम मॉडिफायर्स के बारे में अच्छे से जान लें, तो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले आप वो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मेरे नए वीडियोस में। मैं टाइम टू टाइम इस चैनल पे वीडियोस डालता रहता हूँ, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है वैसे वैसे मैं इस चैनल पर नए नए वीडियोज़ डालता रहता हूँ। और जिस तरह से मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है, वो काफ़ी इंकरेजिंग है। लोगों को ये वीडियोज़ काफ़ी पसंद आ रहे हैं, जो लोग इस प्रोसेस में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उन लोगों को काफ़ी हेल्प मिल रही है, जो कि मेरा मोटिव सॉल्व करता है ये चैनल को बनाने का। जो मेरा मोटिव था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस प्रोसेस में जोड़ सकूं। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जो फ्रेंड्स आपके या आपके कजन्स हैं, आपके ब्रदर सिस्टर्स हैं, जो इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, इस प्रोसेस को जॉब ढूंढ रहे हैं या अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो ये बहुत ही प्रॉमिसिंग इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के लिए आप इस चैनल के सभी वीडियोज़ देख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं इस करियर में। तो चलिए हम आगे अपने चैनल को स्टार्ट करते हैं, अपने इस वीडियो को। तो आज हम मॉडिफायर्स के बारे में बात करेंगे, जो कि फ्रीक्वेंटली यूज्ड मॉडिफायर्स हैं, मतलब जिनका यूसेज हमारे मेडिकल बिलिंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा होता है या बहुत ऑफन होता है। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में आपको उन मॉडिफायर्स को ओवरव्यू दे पाऊँ। ज़्यादा डिटेल तो मैं इस वीडियो में शायद ना दे पाऊँ, लेकिन आपको मैं एक ओवरव्यू दे सकता हूँ कि ये मॉडिफायर किस लिए यूज़ होते हैं और इनका यूसेज आप डिनाइल्स में कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ये मैं आपको हिंट दूंगा। और जैसे ही आप इन जानेंगे, अगर आप इस प्रोसेस में काम कर रहे हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप समझेंगे कि ओके, आप इस मॉडिफायर से इस टाइप के क्लेम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, जो मैं मॉडिफायर्स के बारे में बता रहा हूँ, ये नंबर्स में, असेंडिंग नंबर्स में चल रहे हैं, तो मैं आपको स्टार्टिंग से आपको बताता हूँ। तो जैसे कि मैं कोडिंग भी करता हूँ, तो उसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं मॉडिफाइड 22, जो काफ़ी यूज होता है मेडिकल कोडिंग में यूजली। मॉडिफाइड 22 का जो डिस्क्रिप्शन है वो है इंक्रीज प्रोसीजरल सर्विसेज, सर्जिकल प्रोसीजर कोड्स ओनली। दैट मीन्स कि अगर आप किसी क्लेम के ऊपर काम कर रहे हैं, उस क्लेम में मॉडिफाइड 22 अपेंड है, इट मीन्स के जो प्रोवाइडर ने उस प्रोसीजर में जो सर्विस की है, वो सर्विस यूजुअल जो टाइम उस सर्विस में लगता है या यूजुअल सर्विस उस सर्विस में लगती है, तो उससे कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा काम किया है। ये इसलिए मॉडिफायर ऐड किया जाता है, जैसे कि हमको कुछ एडिशनल पेमेंट रिसीव हो। मैं आपको इसके बारे में एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि एक पेशेंट आया है किसी डॉक्टर के पास एक प्रोसीजर कराने के लिए, वो सर्जरी हो सकती है, कोई भी माइनर या मेजर सर्जरी हो सकती है। उस सर्जरी की जो सीपीटी बुक के अंदर जो डिस्क्रिप्शन है, वो है टाइम डिसाइड नहीं करता है, बट एक कंडीशन बताता है कि इन इन कंडीशंस को डॉक्टर ठीक कर सकता है। लेकिन अगर पेशेंट को उन कंडीशन से डिफरेंट कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स हैं, जिसका कोई सीपीटी कोड तो नहीं है, लेकिन उसी प्रोसीजर के अंदर डॉक्टर ने एडिशनल टाइम देकर, एडिशनल सर्विसेज देकर, एडिशनल ट्रीटमेंट किया है, और उसको वो डॉक्टर इसको दर्शाना चाहता है क्लेम के अंदर, तो कोडर अगर उसको मेंशन करेगा मॉडिफाइड 22 को, तो चांसेस हैं कि आपकी पेमेंट थोड़ी इंक्रीज होकर है, जो भी उस प्रोसीजर की यूजुअल फीस है। तो मॉडिफाइड 22 यूजली जब लगा हुआ होता है, तो हम ये बताते हैं कि इसमें एडिशनल
इंक्रीज प्रोसीजर सर्विसेज हैं और इसमें हमारे चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं एडिशनल पेमेंट के। इस केस में आपको अगर मेडिफाइड 25-2 लगा हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी आपसे मेडिकल रिकॉर्ड मांग सकते हैं कि आपने एडिशनल क्या सर्विस दी है पे करने से पहले। तो आपको सिंपली आपको मॉडिफायर 22 को प्रूव करने के लिए आपको मेडिकल रिकॉर्ड्स शो करने होंगे, सबमिट करने होंगे इंश्योरेंस कंपनी को। अब किसी भी मेथड से मांग सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी और आपका क्लेम प्रोसेस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। द सेकेंड मॉडिफायर इज मॉडिफाइड 24। इसका डिस्क्रिप्शन है अनरिलेटेड एवेल्यूशन एंड मैनेजमेंट सर्विस बाय द सेम फिजिशियन ड्यूरिंग अ पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। अब देखिए ये मॉडिफायर काफी यूज होता है। कैसे यूज होता है? जैसे कि ENM के बारे में आपको बता चुका हूं मैं, इवेल्यूएशन एंड मैनेजमेंट, जिसमें केवल डॉक्टर असेसमेंट करता है या कंसल्टेशन करता है, या आप कह सकते हैं कि एक नॉर्मल विजिट होती है। इसमें फेस टू फेस डॉक्टर क्या कहते हैं पेशेंट को ट्रीट करता है। आजकल तो जैसे पैंडेमिक टाइम में तो नॉन फेस टू फेस को भी आप ENM के अंदर काफी सारे CPT कोड आ गए हैं। तो यूजुअली क्या होता है कि हम कोई जब डॉक्टर को ट्रीटमेंट देते हैं, पेशेंट ट्रीटमेंट लेके गया है डॉक्टर से, तो एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन होता है जिसको हम कहते हैं ग्लोबल पीरियड। ग्लोबल पीरियड के बारे में मैं अलग से एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा आपको, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ, ग्लोबल पीरियड होता है कि अगर किसी पेशेंट ने कोई ट्रीटमेंट लिया है या कंसल्टेशन ली है एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए, तो अगर वो सेम डिजीज को लेकर अगले 3 दिन या 5 दिन या 10 दिन भी हो सकता है, अगर वो पेशेंट रिपीट लौट कर दोबारा आता है, तो आप उस क्लेम को दोबारा इंश्योरेंस कंपनी को बिल नहीं कर सकते। अगर आप बिल कर भी सकते हैं तो आपको दिखाना होगा कि ये जो सर्विस है ये जो पिछली ट्रीटमेंट पेशेंट ने ली है उससे डिफरेंट है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एक CPT कोड है इवेल्यूशन मैनेजमेंट का 99213, दैट मीन्स कि लेवल 3 कोड है। पेशेंट डॉक्टर के पास गया है, डॉक्टर ने पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया है, कंसल्ट किया है, लेकिन पेशेंट अगर दूसरे ही दिन या अगले उसके नेक्स्ट दिन दोबारा पेशेंट डॉक्टर के पास आता है कि लास्ट जो मैं कल आपके पास आया था तब मुझे हेडेक था, लेकिन आज मैं आपके पास आया हूं तो मुझे पैर में मोज आ गई है, ठीक है, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी को जब आप क्लेम भेजेंगे तो हो सकता है वो क्लेम आपका डिनाय हो जाए कि आपने 2 फ्रीक्वेंट डेज में आपने 2 सेम कोड बिल कर दिए, क्योंकि दोनों कंसल्टेशन कोड सेम होंगे। तो इंश्योरेंस कंपनी को ये बताने के लिए कि हमने जो क्लेम भेजा है वो कल से डिफरेंट क्यों है, उसके लिए आपको जो डायग्नोसिस कोड होगा वो डिफरेंट डालना होगा, प्राइमरी डायग्नोसिस कोड। प्रीवियस डे का जो क्लेम होगा उसके अंदर हेडेक के लिए आया था वो हेडेक जाएगा। सेकंड के अंदर आपको डालना होगा स्प्रेन है उसके लेग में, राइट या लेग जो भी होगा उसका डायग्नोसिस कोड जाएगा। लेकिन आपको 24 मॉडिफायर भी लगवाना होगा क्योंकि डिफरेंट डायग्नोसिस होते हुए भी आपका क्लेम डिनाय हो सकता है। और AR पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, अगर आपका क्लेम डिनाय हुआ है ग्लोबल पीरियड की वजह से और वो CPT इवेल्यूएशन एंड मैनेजमेंट का है, तो आपको यह चेक करना है कि जो प्रीवियस पीरियड में जो हमने जिससे ये क्लेम डिनाय हो रहा है ग्लोबली, उस क्लेम के अंदर प्राइमरी डायग्नोसिस क्या था, उसके मेडिकल रिकॉर्ड क्या बोलते हैं, वो प्रॉब्लम किस प्रॉब्लम के लिए आया था, और जो नेक्स्ट विजिट है जो ये डिनाय हो गई है आपकी, इस पे प्रॉब्लम क्या है। तो अगर आपको डिफरेंट डायग्नोसिस डिफरेंट प्रॉब्लम मिलते हैं तो आपको देखना है कि 24 मॉडिफायर उसमें लगा है या नहीं लगा है। अगर नहीं लगा है तो आप सिंपली 24 मॉडिफायर यूज कर अपने इवेल्यूशन मैनेजमेंट सर्विस को अनबंडल कर उसको पे करवा सकते हैं, और इजिली पे हो जाएगा ये, बशर्ते आपका कंडीशन मैच करना चाहिए। आपने जो चीज मैच नहीं कर रही है, कोई कंडीशन आपकी मैच नहीं होती मॉडिफायर 24 के लिए, डिफरेंट प्रॉब्लम नहीं है सेम प्रॉब्लम है, तो वो आपके लिए नहीं पे होगा, आप 24 मॉडिफायर भी नहीं लगा सकते हैं। आपका डायग्नोसिस चेंज होना चाहिए, मेडिकल रिकॉर्ड उसको प्रूव करते होने चाहिए, और आप मॉडिफाइड 24 लगाएंगे आपका क्लेम पे हो जाएगा अनरिलेटेड इवेल्यूशन एंड मैनेजमेंट सर्विस के लिए बाय द सेम फिजिशियन, दैट मींस के सेम डॉक्टर ने आपको ट्रीट किया है। नेक्स्ट मॉडिफायर है मॉडिफाइड 25, जो हमारे प्रोसेस में ऑलरेडी काम कर रहे हैं उन सबको इस मॉडिफाइड 25 के बारे में अच्छे से पता होगा। ये 25 मॉडिफायर इवेल्यूशन मैनेजमेंट सर्विसेज के अंदर ही लगता है, ENM के अंदर, कंसल्टेशंस के अंदर, जो भी कंसल्टेशन फेस टू फेस नॉन फेस टू फेस पेशेंट्स के साथ होती है डॉक्टर की। इसका डेफिनेशन है सिग्निफिकेंट सेपरेटली आइडेंटिफिएबल इवेल्यूशन मैनेजमेंट सर्विस बाय द सेम फिजिशियन ऑन द सेम डे ऑफ द प्रोसीजर और अदर सर्विस। ये मॉडिफाइड 25 इवेल्यूशन एंड मैनेजमेंट सर्विसेज के साथ लगता है अगर डॉक्टर इवेल्यूएशन के साथ में कोई माइनर प्रोसीजर कर रहा है या कोई इंजेक्शन दे रहा है। अगर आप ENM के अंदर 25 मॉडिफायर नहीं लगाते हैं तो आपका ENM कोड डेफिनेटली डिनाय हो जाएगा। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं। पेशेंट आया डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए, उसको हेडेक है और डॉक्टर ने उसको कंसल्ट किया, 10 मिनट 15 मिनट उसके साथ स्पेंड किए, देन पेशेंट ने मुझे बोला कि मेरे लेग में भी पेन है और मुझे लगता है कि मैं गिर गया था, तो मुझे लगता है कि इसमें
फ्रैक्चर हो सकता है। और अगर हमारे डॉक्टर के पास एक्सरे का सेटअप है तो डॉक्टर क्या करेगा कि एक रिकमेंड करेगा कि आप एक अपना राइट लेग का, आपके जहाँ पे आप फिसले थे, आप वहाँ पे एक एक्सरे करा दीजिए, और पेन के लिए वो उसको एक पेन किलिंग का इंजेक्शन दे सकता है। तो अब आपकी तीन सर्विसेज हो गई हैं बिल करने के लिए। एक है इवेल्यूएशन मैनेजमेंट का कोड जो पेशेंट को कंसल्ट किया गया है, सेकेंड उसका लेग एक्सरे, थर्ड इज द पेन इंजेक्शन। तो अगर आप, आपके पास तीन सीपीटी कोड हैं, अगर आप इनमें से इवेल्यूएशन एंड मैनेजमेंट के लिए 25 मॉडिफायर यूज नहीं करेंगे बिलिंग करते टाइम या कोडिंग करते टाइम, तो वो क्लेम आपका डिनाई हो जाएगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी कहेगी कि आपने जो एक्सरे किया है या आपने जो इंजेक्शन दिया है वो आपने क्या कहते हैं जो दिया है उसके लिए हम आपको पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन इसकी पेमेंट आपकी इवेल्यूएशन मैनेजमेंट की इंक्लूडेड है। तो आपको 25 मॉडिफायर लगा के, आपको अगर आप क्लेम आपका ऑलरेडी डिनाई हो गया तो आपने देखना है कि ईएनएम के अंदर 25 मॉडिफायर लगा या नहीं लगा है। नहीं लगा है तो आपको 25 मॉडिफायर लगाकर इंश्योरेंस कंपनी को ये बताना होगा कि ये सिग्निफिकेंट सेपरेटली आइडेंटिफाइबल सर्विस है, क्योंकि आजकल के टाइम पे जितने भी इंश्योरेंस कंपनी के जो सॉफ्टवेयर हैं वो ऑटोमेटेड रूल्स के ऊपर चलते हैं। वो देखते हैं कि तीन सर्विसेज हुई हैं, तीनों सर्विस में अंदर कोई मॉडिफायर नहीं लगा है तो वो सर्विस डिनाई कर देंगे, जो कि एक लॉजिकल एक बात बिल्कुल सही है। आपको आइडेंटिफाई करके बताना होगा कि ये जो बॉडी जो सीपीटी प्रोसेस ऑफिस विजिट है ये इवेल्यूएशन के लिए है। अगर हम इवेल्युएट ही नहीं करते पेशेंट को तो डॉक्टर को कैसे पता चलता कि इसको एक्सरे करना है या नहीं करना है, इसको इंजेक्शन देना है कि नहीं देना है। कंसल्टेशन हुई है तभी सब चीज़ें पता चली है ना। तो इसलिए 25 मॉडिफायर ईएनएम कोड के अंदर यूज होता है अनबंडल करने के लिए, अदरवाइज आपका क्लेम डिनाई हो जाएगा। जो यूजुअली जो डिनायल कोड आएंगे वो आएंगे CO97 आ सकता है, CO PR97 आ सकता है, इस तरह के बंडल के आपके कोड आएंगे वो ईएनएम के अंदर आएंगे। तो आप ये डिफरेंट आप देख लेगा ना, 25 25 ईएनएम के कोड को अनबंडल करने के लिए आता है अगर मोर देन वन सर्विस दी गई हो ऑफिस सेटअप के अंदर या हॉस्पिटल सेटअप के अंदर, सर्विस ईएनएम की होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। नेक्स्ट कॉमनली मॉडिफायर है हमारा जो यूज होता है वो है 26 मॉडिफायर या टीसी मॉडिफायर। देखिए मॉडिफायर 26 और टीसी के बारे में आपको बताता हूँ। ये यूजुअली जो होते हैं ये रेडियोलॉजी सर्विसेज के अंदर बिल होते हैं। जैसे कि पिछले एग्जांपल मैंने आपको बताया कि पेशेंट को हेडेक भी था, देन उसका स्प्रेन भी था पैर में, तो उसने अपना एक्सरे करवा लिया, देन उसने एक इंजेक्शन लिया पेन का। तो अगर डॉक्टर के पास रेडियोलॉजी मशीन है और वो उसका लेग एक्सरे कर रहा है तो 26 मॉडिफायर वो यूज करेगा। अगर वह डॉक्टर को रेकमेंड करता है कहीं पे या किसी रेडियोलॉजी सर्विस के साथ, किसी रेडियोलॉजी डायग्नोस्टिक सेंटर के साथ में उसका टाइप है और पेशेंट वहाँ ट्रीटमेंट, वहाँ अपना एक्सरे करवाता है, लेकिन रिपोर्ट की रीडिंग जो होती है, जो फिल्म आती है एक्सरे की, उसको हमारा डॉक्टर रीड कर रहा है, तो हम उस क्लेम को, उस एक्सरे कोड को 26 मॉडिफाई के साथ बिल करेंगे। दैट मीन्स कि हमने जो उस एक्सरे के ऊपर सिर्फ प्रोफेशनल सर्विसेज दी है, हमने उसका टेक्निकल पार्ट नहीं किया है। और अगर हमने केवल एक्सरे किया है, आप मान के चलिए कि अगर आप एक रेडियोलॉजी सेंटर के बिहाफ पे बिलिंग कर रहे हैं और आपके पास कोई डॉक्टर नहीं है, आप केवल एक्सरे का पिक्चर लेते हैं, देन पिक्चर को आप सबमिट करते हैं किसी प्रोफेशनल डॉक्टर के पास उसको रीड करके उसका इंटरप्रिटेशन रिपोर्ट बनाने के लिए। क्योंकि जब भी आप कोई एक्सरे करवाते हैं तो आपको दो चीज़ें मिलती है, एक फिल्म मिलती है जो ब्लैक कलर की फिल्म होती है, देन उसके साथ एक रिपोर्ट होती है। वो जो रिपोर्ट होती है दैट इज कॉल्ड द 26 मॉडिफायर, उसके लिए एक प्रोफेशनल डॉक्टर की आवश्यकता होती है। एंड जो ब्लैक कल की फिल्म होती है दैट इज अ टेक्निकल कंपोनेंट, दैट मीन्स कि मशीन्स को यूज किया गया है और मशीन से वो पिक्चर ली गई है, उसका एक अलग पार्ट होता है। तो अगर आपका डॉक्टर या आप जो बिलिंग कर रहे हैं वो आप रेडियोलॉजी सेंटर या क्या कहते हैं डायग्नोस्टिक सेंटर के बिहाफ पे कर रहे हैं तो आप टीसी मॉडिफायर यूज करेंगे, और अगर आप रीडिंग डॉक्टर के बेसिस पे कर रहे हैं तो 26 मॉडिफायर यूज करेंगे। और अगर डॉक्टर के ऑफिस सेटअप के अंदर ही उसकी मशीन्स भी हैं एक्सरे की और वही रीड करता है, दैट मीन्स दोनों कंपोनेंट उसके हैं, दोनों सर्विसेज वो देता है, तो रेडियोलॉजी कोड के अंदर कोई भी मॉडिफायर नहीं जाएगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आप इसको अगर इजीली समझेंगे, एक बार दोबारा इसमें जो पॉइंट मैंने आपको बताया इसको आप बैक करके रिव्यू कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा रेडियोलॉजी सर्विस के अंदर 26 और टीसी मॉडिफायर का डिफरेंस क्या होता है और ये क्यों यूज होता है। तो आपके हो सकता है कि आपको क्लेम में इसके डिनायल भी आए, तो आपको देखना हो कि आपके डॉक्टर ने क्या परफॉर्म किया है, टेक्निकल पोर्शन किया है या प्रोफेशनल पोर्शन किया है। या आपको, आप बिलिंग कर रहे हैं तो आप कोई भी क्लेम ओपन करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मॉडिफाई लगा है इसका मीनिंग क्या है। 26 मॉडिफाई लगा हो तो आप समझ जाएंगे कि हमारे डॉक्टर ने केवल रीड किया है, टीसी है, दैट मीन्स कि केवल टेक्निकल पोर्शन किया है। और अगर रेडियोलॉजी कोड जो होता है उसके अंदर कोई मॉडिफायर नहीं है, दैट मीन्स कि दोनों पार्ट हमारे डॉक्टर ने किया है, हमारे बिलिंग डॉक्टर ने। और यूजुअली मैं आपको बताऊं रेडियोलॉजी जो सर्विसेज के कोड्स होते हैं वो 70,000 सीरीज से स्टार्ट होते हैं, तो जब भी आप 70,000 से देखें तो आपको समझ जाइए कि रेडियोलॉजी सर्विस हो गया। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं।
नेक्स्ट मॉडिफायर है हमारा 50 मॉडिफायर, बायलैटरल प्रोसीजर। अब ये 50 मॉडिफायर जब लगा हुआ होगा तो आप समझ जाइए कि आपका जो प्रोसीजर है वो बायलैटरली हुआ है। बायलैटरल क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। यूनिलैटरल दैट मींस एक साइड, बायलैटरल मींस दोनों साइड। तो हमारी बॉडी में जो भी पार्ट दो हैं उनमें हम अगर कोई सर्विस देते हैं तो उसमें हमको ये डिफाइन करना होगा कि आपका जो प्रोसीजर है वो बायलैटरली हुआ है यूनिलैटरल हुआ है। जैसे कि आपके हाथ, अगर हैंड एक्सरे किया है डॉक्टर ने तो वो राइट साइड का हुआ है तो आप उसमें मॉडिफायर लगाएंगे आरटी, राइट साइड। अगर लेफ्ट साइड का हो तो आप लगाएंगे एलटी, लेकिन अगर बायलैटरल हुआ है तो आरटी एलटी आप दोनों नहीं लगाएंगे, तब आप लगाएंगे 50 मॉडिफायर। तो 50 मॉडिफायर जब आप लगाते हैं तो सर्विस की रीइंबर्समेंट इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि 50 का मतलब है कि आपने डबल काम किया है, आपने दोनों एक्सट्रीमिटीज के ऊपर काम किया है, दोनों पार्ट पे किया है। तो 50 वाले मॉडिफायर आपकी पेमेंट्स को इंक्रीज कर देता है। तो आप जब क्लेम के ऊपर 50 मॉडिफायर देखेंगे तो आपको समझ जाना है कि आपका प्रोसीजर बायलैटरली हुआ है। नेक्स्ट मॉडिफायर इज मॉडिफायर 51, मल्टीपल प्रोसीजर्स। ये मॉडिफायर 51 बहुत यूज होता है क्लेम्स को अनबंडल करने के लिए। जब डॉक्टर ट्रीटमेंट देता है डॉक्टर को, तो हो सकता है कि वो इवेल्यूशन कर रहा है, देन उसके साथ कई सारी और चीज़ें कर सकता है। पेशेंट को मल्टीपल डिजीजेस हो सकती हैं, हो सकता है उसके स्किन में कोई स्किन टैग हो, स्किन टैग रिमूवल कर रहा है, उसे कोई विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो, विटामिन का इंजेक्शन दे रहा है, देन उसे वो केलॉइड है उसको केलॉइड रिमूव कर रहा है, देन उसको हो सकता है एक्सरे भी कर रहा है, कोई माइनर प्रोसीजर कर रहा है, कोई उसको लैब टेस्ट कर रहा है। तो जब आप एक ही पेशेंट के डिफरेंट CPT कोड एक साथ बिल करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी का सिस्टम कह सकते हैं या इंश्योरेंस कंपनी थोड़ी सी अलर्ट हो जाती है और थोड़ी सी कंफ्यूज भी हो जाती है कि ये इतने सारे प्रोसीजर है, मैं सबका पेमेंट कैसे करूँ। क्योंकि जब हम क्लेम सबमिट करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी के पास मेडिकल रिकॉर्ड्स नहीं होते जब तक वो रिक्वेस्ट नहीं करती है, तो वो सिंपली क्या करती है, वो क्लेम को डिनाय कर देती है कि ये इतनी सारी सर्विसेज हैं, मैं सबका पेमेंट नहीं करूंगी, मैं इसमें से तीन का कर रही हूँ, दो डिनाय कर रही हूँ। तो आपको उसमें डिनायल आ जाएगा, CU-97 करके आ सकता है, बंडल के लिए आ सकता है कि द सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन द अदर अनदर प्रोसीजर, कि तीन जो आपकी पेमेंट कर दी है मैंने उसके अंदर इंक्लूडेड है दो CPT का। तो आपको उन लाइंस को अनबंडल करने के लिए 51 मॉडिफायर यूज करना होता है, जिससे कि आप बताएं कि ओके हम ट्रीटमेंट आपको मल्टीपल CPT दे रहे हैं क्योंकि मल्टीपल प्रोसीजर परफॉर्म हुए हैं डॉक्टर को। तो इसके लिए एक टूल कह सकते हैं आप, एक मेडिकेयर CMS ने एक टूल इन्वेंट किया है जिसे हम कहते हैं CCI टूल, दैट इज करेक्ट कोडिंग इनिशिएटिव, जिसके बारे में मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। उन CCI टूल्स को आप यूज करके आप ये चूज कर सकते हैं कि किन CPT कोड्स के साथ में 51 मॉडिफायर जाएगा और वो क्लेम्स अनबंडल हो जाएंगे, वो आपके क्लेम में डिनाय नहीं आएगा। अगर आप बिलिंग के टाइम पे ही QC के टाइम पे अगर ये मॉडिफायर का यूज करते हैं तो आपके सर्टन है कि डिनायल नहीं आएंगे, और अगर आपका क्लेम ऑलरेडी AR में जाकर डिनाय हो गया है तो भी आप इन मॉडिफायर को 51 को यूज करके क्लेम्स को अनबंडल कर सकते हैं। लेकिन उन्हीं को आप अनबंडल कर सकते हैं जिनमें ये मॉडिफायर अलाव होगा 51। इससे हो सकता है कि आपकी पेमेंट जो है CPT की थोड़ी रिड्यूस हो जाए, बट आपकी पेमेंट आ जाएगी। जीरो से अच्छा है कि आपको कुछ पेमेंट रिलीज हो जाए। तो डॉक्टर्स इसको, कई डॉक्टर अग्री कर लेते हैं कि ओके ठीक है कुछ तो आए तो 51 मॉडिफायर यूज कर लीजिए, कुछ डॉक्टर इसको नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि हम मॉडिफायर 51 यूज नहीं करेंगे, आप अपील कीजिए डिफरेंट डिफरेंट। तो उसमें थोड़ा प्रोसेस थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो इट्स अप टू योर डॉक्टर कि वो मॉडिफायर 51 यूज करना चाहता है या वो डिनाइड क्लेम्स के ऊपर अपील करना चाहता है। मॉडिफायर 52, पार्शियली रिड्यूस एलिमिनेटेड सर्विसेज। ओके, ये है जो मॉडिफायर है, यह है उसका बिल्कुल अपोजिट जो हमने फर्स्ट मॉडिफायर डिस्कस किया था, इंक्रीज सर्विस का। अगर हम किसी प्रोसीजर का सर्विस इंक्रीज करके बिल करते हैं, जो उसका यूजुअल जो उसकी सर्विस होती है किसी प्रोसीजर के अंदर, तो हम मॉडिफायर जो हम यूज करते हैं ये उसका बिल्कुल अपोजिट है। मॉडिफायर 52 हम तब लगाते हैं जब हम एक्चुअल सर्विस से कम सर्विस परफॉर्म कर रहे हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे पास एक सर्जरी रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया गया था एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट के ऊपर, लोकल एनेस्थीसिया था वो। एनेस्थीसिया मींस कि उसको वहां पर बॉडी को सुन कर दिया गया था और उसके बाद डॉक्टर एक प्रोसीजर परफॉर्म करने लगा था, लेकिन वो पेशेंट टॉलरेट नहीं कर पाया उस प्रोसीजर को। तो वो प्रोसीजर आधा प्रोसीजर किया डॉक्टर ने, आधा बीच में छोड़ना पड़ा उसको कि ये पेशेंट कॉपरेट नहीं कर रहा है। तो अब हमें वो तो क्लेम तो बिल करना ही इंश्योरेंस कंपनी को, क्योंकि हमने आधी ट्रीटमेंट तो दी है। तो हमने उस क्लेम के अंदर 52 मॉडिफायर यूज किया ये बताने के लिए कि हमने जो ट्रीटमेंट दिया है वो रिड्यूस है, मतलब हमने फुल ट्रीटमेंट नहीं दिया, प्रोसीजर कंप्लीट होने से पहले ही पेशेंट ने कॉपरेट नहीं किया तो हमको वो अबॉर्ट करना पड़ा प्रोसीजर, और हम शायद मे बी इसका हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट, कभी पेशेंट जब आएगा या जब वो कंफर्टेबल हो तब आएगा तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये आपको
करना बहुत ज़रूरी है। इसके रीज़न ये हैं कि एक तो आपको ऑनेस्टी के साथ चलना है इंश्योरेंस कंपनी के साथ में। अगर वो मेडिकल रिकॉर्ड मांग लेती है इसी केस में, अगर आप 52 मॉडिफाइड नहीं लगाते हैं और मेडिकल रिकॉर्ड मांग लेती है इंश्योरेंस कंपनी, तो वो देखेगी कि ये प्रोसीजर तो पूरी हुआ नहीं है लेकिन आपने बताया नहीं हमें, तो वो आपके ऊपर इसको भी एक तरह का फ्रॉड मान सकती है। अदरवाइज आपको बताना ही पड़ेगा, ऑनेस्टी चलना है। सेकंड चीज ये हो सकती है कि आपने जो प्रोसीजर किया, हो सकता है कि पेशेंट एक हफ्ते 10 दिन बाद दोबारा आए और बोले कि अब मैं रेडी हूँ बाकी प्रोसीजर करने के लिए, तो जो सर्विसेज थोड़ी बहुत रह गई है या कोई हमने उसका एक्सीजन किया था, एक्सीजन किसी स्किन टैग का या किसी चीज़ का, वो हम अब निकालना शुरू करते हैं, तो फिर हमको वो क्लेम दोबारा बिल करना है। और हो सकता है कि वो 10 दिन के अंतराल दोबारा पेशेंट आया हो, तो इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी ये तो सेम CPT कोड आपने दोबारा बिल कर दिया, रीज़न क्या है, बॉडी पार्ट भी सेम है, सब कुछ है। तो हम ये बता सकते हैं कि पिछली बार जो हमने किया था बिल, वो 52 मॉडिफाई के साथ बिल किया था जिसके अंदर वो ड्यू सर्विस थी, पार्शियली रिड्यूस एलिमिनेटेड सर्विस थी, और हम जो रिमेनिंग पार्ट है हम आज बिल कर रहे हैं, और आज भी हम 52 मॉडिफाई के साथ बिल कर रहे हैं। तो आप आधा आधा ही पे कर दीजिए, लेकिन दोनों क्लेम को पे कर दीजिए, तो आपका क्लेम इस तरीके से पे हो जाएगा। ये थोड़ा टेक्निकल है लेकिन बहुत ही लॉजिकल है, आप लॉजिकल सोचिए इसमें, क्योंकि हमें किसी भी तरह का फ्रॉड नहीं करना है मेडिकल बिलिंग में, तो हमको मॉडिफाई 52 यूज करना होगा। यूजली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कोडर्स की होती है, लेकिन अगर बिलर्स देखते हैं इसको और तो उनको पता होना चाहिए 52 मॉडिफायर क्यों लगा हुआ है देन, और जो AR के लोग काम करते हैं उन्हें पता होना चाहिए क्लेम के अंदर 52 मॉडिफायर का मीनिंग क्या है। तो वो उस पर फिर जब आप बात करेंगे रेप के साथ, तो उस कॉन्फिडेंस से आप बात कर सकते हैं कि हमने ऑलरेडी आपको 52 मॉडिफायर बताया हुआ है। नेक्स्ट मॉडिफायर है 53 मॉडिफायर में जो डिस्क्रिप्शन है ज़्यादा डिफरेंस नहीं है 52 एंड 53 का। 52 में हम पार्शियली रिड्यूस सर्विस करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमने पूरी सर्विसेज नहीं दी है। 53 मॉडिफायर के अंदर हमने वो प्रोसीजर डिसकंटिन्यू कर दिया है। ये एग्जांपल आप जो मैंने आपको दिया था इस पे अप्लाई हो सकता है कि पेशेंट को टॉलरेट नहीं हुआ प्रोसीजर, तो उसने प्रोसीजर डिसकंटिन्यू कर दिया, या हमने किसी कोई हो सकता है कि कोई मेजर प्रोसीजर डॉक्टर के परफॉर्म किया हो, उसमें उसको पूरा एनेस्थीसिया दिया गया हो जिसमें पेशेंट को बिल्कुल बेहोश कर दिया गया हो, लेकिन पेशेंट बाई चांस, मतलब ये ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन बाई चांस पेशेंट बीच प्रोसीजर में हिलने लगा हो या उठ गया, उसको एनेस्थीसिया डोज कम लगा हो, तो हम उस कंटिन्यू उस प्रोसीजर को डिसकंटिन्यू कर देते हैं बीच में कि हम इसको नहीं कर रहे हैं। तो दैट मीन्स अगर आप उस केस में आप केस क्लेम भेजना चाहते हैं तो 53 मॉडिफायर आप यूज करेंगे दिखाने के लिए कि कंटिन्यू डिसकंटिन्यू प्रोसीजर था, ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ जब तक इसको एक्चुअली में इसको परफॉर्म होना था। तो थोड़ा बहुत इसका मीनिंग सेम है 52 53 का। 52 में हम पार्शियली रिड्यूस एलिमिनेटेड सर्विसेज को बिल कर रहे हैं और 53 में हमने प्रोसीजर को डिसकंटिन्यू कर दिया है। हो सकता है हम इसको फ्यूचर में इसको आगे कंटिन्यू करें, तो आपको ऑनेस्टली चलना है, मॉडिफायर बताना है कि हमने सर्विसेज किस बेसिस पे दी है और क्या इसका स्टेटस है। ओके, तो आज के लिए इतना बहुत है। अभी मैं आगे आने वाले वीडियोज में आपके लिए और चैप्टर बनाऊंगा मॉडिफायर्स के ऊपर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडिफायर के बारे में सबको पता होना चाहिए। जहाँ तक मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो हमारे प्रोसेस में काम करते हैं लोग, स्पेशली जो AR और बिलिंग के लोग होते हैं, तो कई लोगों को मॉडिफायर्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता। वो लोग सिर्फ जो उनको आ जाता है डेटा में वो उसको पोस्ट करते हैं, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि ये एक नॉलेज प्रोसेस है, इसमें आपको डेटा एंट्री नहीं करनी है, इसमें आपको अपनी नॉलेज यूज़ करनी है और नॉलेज गेन करनी है। तो आपको एक एक चीज़ में जो भी आप एंटर कर रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। वैसे ही AR को, जब AR कोई क्लेम ओपन करता है तो उसे पूरे क्लेम का ओवरव्यू होना चाहिए कि CPT कोड क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या हुआ है, मॉडिफायर क्या यूज़ हुए हैं, स्टेटस क्या है उसका, और डायग्नोसिस क्या है, डिजीजेस क्या है। इसलिए मैं आपको डिटेल में ट्रेनिंग दे रहा हूँ जिससे कि आप लोग एक अच्छे लेवल पे काम कर सकें और क्लेम्स को अपने लेवल पे सॉल्व कर सकें, बशर्ते आपको इधर उधर कहीं जाना हो, इससे अच्छा है आप अपने खुद ही सॉल्व कर सकें, उससे आपको काफ़ी आपके करियर में हेल्प मिलेगी। ओके, तो आज के लिए इतना, वीडियो बहुत होगा, आप लोगों से दोबारा रिक्वेस्ट है अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बहुत जल्द मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लाऊंगा कुछ और नॉलेज। थैंक यू सो मच।